दिस लेलन टॉप वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या, कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पिछले महीने भारत सरकार ने पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट पर बैन की छुरी चलाई थी। इसके बाद ये गेम इंडिया में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से गायब हो गए। जिनके फ़ोन में गेम पड़ा था उनके में चल रहा था, मगर ऐसा कहा जा रहा था कि ये बस आखिरी सांसें हैं जो कभी भी बंद हो जाएंगी। सरकार पबजी फैंस के दिलों का शूटर बन गई। पेरेंट्स ने मोदी जी को थैंक्स बोला, मगर पबजी अभी भी चले जा रहा है। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देश में अभी भी पबजी चल रहा है और सरकार इसे कैसे बंद कर सकती है। पबजी के बैन होने से लेकर अब तक बहुत कुछ हुआ है। अक्षय कुमार ने एक नए गेम फौजी के बारे में बताया, जिसे एनकोर नाम की इंडियन गेमिंग कंपनी बना रही है। पबजी मोबाइल ने बैन हटवाने के लिए अपने चाइनीज पब्लिशर टेंसेंट को बाय बाय बोल दिया। सरकार ने कहा इतना काफ़ी नहीं है, प्रिवेसी, सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर अभी भी काफ़ी दिक्कत है। कॉल ऑफ ड्यूटी, लूडो किंग, गरेना, फ्री फायर पर डाउनलोड की भरमार आने लगी। गेम स्ट्रीम करने वाले यूट्यूबर पबजी छोड़कर दूसरे गेम पर पहुंच गए। इसी बीच पीसी गेम में फॉल गाइज ने पॉपुलैरिटी बटोरी और मोबाइल गेम में अमंग अस का बोलबाला हो गया। मगर इस सब के दौरान पबजी कभी बंद ही नहीं हुआ। जिनके फ़ोन में पड़ा था वो झारों झार खेल रहे हैं। मगर बैन होने के बाद पबजी मोबाइल चल कैसे रहा है? सरकार ने पबजी मोबाइल को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटवा दिया, लेकिन ना गेम के सर्वर बंद करवाए और ना ही देश के ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे वोडाफोन, एयरटेल, जियो को ऑर्डर दिया कि वो गेम सर्वर की IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल को ब्लॉक करें। इसलिए गेम चले ही जा रहा है। इसके लिए किसी को ना कोई जुगाड़ करना पड़ा और ना ही कोई ढेला खिसकाना पड़ा। मगर बीच में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। असल में पबजी ने कुछ टाइम पहले एक बड़ी अपडेट निकाली थी, जिसके बाद उन एंड्रॉयड और iOS फ़ोन में गेम चलना बंद हो गया जिनमें पहले से पड़ा था, मगर फिर भी गेम नहीं रुका। एंड्रॉयड फ़ोन पर आप एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के अलावा किसी भी वेबसाइट या फिर थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए अपडेट आने के बाद लोगों ने पबजी की वेबसाइट से ही APK फाइल निकाल ली। ना VPN की ज़रूरत पड़ी और ना ही इससे फ़र्क पड़ा कि फ़ोन किस कंपनी का है। OnePlus, Xiaomi, Samsung, Realme, Motorola, Asus, Oppo, Vivo, Infinix सब पर गेम चल रहा है। रही बात iPhone पर पबजी डालने की, तो लोग इसके लिए दो तरीके अपना रहे हैं। पहला है ऐप स्टोर पर अपनी लोकेशन बदलकर, और दूसरा है किसी दूसरे कंट्री के एड्रेस वाली एप्पल ID बनाकर। तो फिर कैसे बंद होगा पबजी? देश में पबजी का कारमा चलता ही जा रहा है और जिन लोगों ने गेम के बैन होने का जश्न मनाया था वो बेकार ही साबित हो रहा है। अगर सरकार सच में गेम को बैन करना चाहती है तो इसे ISP के जरिए गेम के सर्वर बंद करवाने पड़ेंगे। बाकी सब तो व्यर्थ है, मिथ्या है, खुद के दिल को दिया जाने वाला झूठा सुकून है, और सरकार खुद ये बात जानती है। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि बैन होने वाला सिर्फ पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट गेम है। इन दोनों गेम के PC और कंसोल वर्जन में ना चाइना के टेंसेंट की हिस्सेदारी थी और ना ही इन्हें कभी इंडिया में बैन किया गया था। बस ये मोबाइल गेम की तरह फ्री नहीं है, ₹1000 लगते हैं इसे खरीदने के। तो बस भाई यही था मामला। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लल्लन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।